TNGOs Union! TNGOs Union! Mujibana Nayakatvam! Vardilali! Mujibana Nayakatvam! Vardilali! Jai Telangana! Jai Telangana! Telangana NGOs Union, Hyderabad District के जानिब से आज मीटिंग मुनाकित की गई। ये मीटिंग का मकसद हमारे जनाब मोहम्मद महबूब खान साहब, जो तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ मिक्सड मार्शल आर्ट्स तम्मा के जो तुलबा हैं, वहाँ से आप ये इल्म हासिल किए, तो इनकी ये ख्वाहिश थी कि जो बहरीन में ये नवंबर 10 से 17 तक बहरीन के सिटी में जो ये मिक्सड मार्शल आर्ट्स का गेम हो रहा है, उसमें पिछले 2 साल से मुसलसिल गोल्ड मेडल हमारे हिंदुस्तान की तरफ से ये हासिल किए हैं, तो इस बार भी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान से तेलंगाना रियासत से हैदराबाद के शहर से जाने का मौका मोहम्मद महमूद खान को फिर से एक बार मिला। आपके जानिब से हम अल्लाह ताला से ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि इनको कामयाबी इंशाल्लाह हासिल हो, क्योंकि गुर्बत है, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो तकलीफ़ थी, तो उनके उस्ताद की ये रिक्वेस्ट थी कि भाई इनको आप हमारे जानिब से तेलंगाना NGOs Union के जानिब से अगर कोई मदद मिलती है तो वो अगर बेहतर रहता, बोल के उनकी रिक्वेस्ट किए थे। तो आज मीटिंग में हम लोग डिसाइड कर महबूब खान को हम तहे दिल से उनका इस्तकबाल यहाँ पर कर रहे हैं, और हम यही दुआ कर रहे हैं कि भाई हमारे से जो भी हो सकता, हम लोग 25,000 रुपये आज उनको माली इमदाद किए हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम लोग करेंगे। और मैं ये तवक्को दिलाता हूँ कि जितने भी नौजवान हमारे तेलंगाना रियासत में हैं, आप देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब कई हमारे स्पोर्ट्समैन को दूसरे ममालिकीन में वो इवेंट्स में जीत कर आने के बाद उनको फाइनेंशियली और हर तरीके से भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके जानिब से मैं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर साहब, जनाब चंद्रशेखर साहब से और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब से भी मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि ये हमारे पुराने शहर के नौजवान हैं, 23 साल के हैं, तो आप बहुत गरीब हैं, उसके बावजूद में भी आपकी हिम्मत की तारीफ बिल्कुल हम लोग उनका सराहना कर रहे हैं, क्योंकि अगर बाहर के ममालिकीन को जाने के लिए लाखों का खर्चा होता, उसके बावजूद में भी उन्होंने हिम्मत रखकर कई लोग हम आपके जानिब से मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई ऐसे स्पोर्ट्समैन की मदद करिए जो हमारे हैदराबाद में है, फिर हमारे रियासत से है, फिर हमारे हिंदुस्तान से है, तो आने वाले दिनों में भी और ये इवेंट के बाद में इंशाल्लाह मैं श्रीनिवास गौड़ मिनिस्टर से भी मिलकर इनकी फाइनेंशियल इमदाद के बारे में भी बात करूंगा, और रविंद्र रेड्डी साहब जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, राजेंद्र साहब जो स्टेट के जनरल सेक्रेटरी है, मैं उनके नोटिस में भी ये बात ले गया, तो वो लोग भी ये तवक्कु दिए कि वो बोले मुझे भाई अभी टाइम बिल्कुल ख़त्म पे है, तो ये बार महबूब खान को जाके आने दीजिए, उसके बाद में आप उनको बुलाइए, हम मिनिस्टर से बात कर जो भी हो सकता हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारे तुलबा का यह ख्वाब था कि सुनहरा तेलंगाना में ऐसे बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे जो अपने मेहनत से मुशक्कत से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक वो सुनहरे तेलंगाना का एक हिस्सा है महबूब खान। लिहाजा मैं आपके जानिब से मैं पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो को जितना आप ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते करिए, क्योंकि हम तमाम के लिए फ़ख्र की बात है, हम तमाम के लिए खुशी की बात है कि भाई हमारे बीच में से हमारा बच्चा आज दूसरे कंट्री को जाकर या हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल हाथ जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है, हम आप तमाम लोग भी दुआ करिए, इंशाल्लाह हम लोग भी इनके साथ हैं, और तमाम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सरकारी मुलाजिमीन भी महबूब खान साहब के साथ, उनके उस्ताद के साथ, तम्मा के साथ है। आने वाले दिनों में भी आप देखिए, हम जब केरला में मुसीबत आई थी, केरला में बाढ़ आई थी, तो भी हम लोग करीब 14-15 लाख रुपये देकर उनकी मदद करे थे। गरीब जो तुलबा है उनके लिए किताबा और बैग्स वगैरह फरोख किए थे, और जो गुरबा है बच्चे अनिसुल गुरबा में भी, उनको भी जो भी हमारे से मदद हुई वो भी करे, मतलब तेलंगाना NGOs Union एक ऐसी जमात है, एक ऐसा यूनियन है जो खाली हमारे मतलब तनख्वाह के लिए या हमारे प्रमोशंस के लिए लड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग बराबर हमारे तेलंगाना के रियाय के, तेलंगाना के तुलबा के बच्चों के बारे में भी सोचने वाले हैं,
और पिछले तीन साल से ब्लड डोनेशन कैंप भी मुनाकिद किया जा रहा है। करीब परसों पिछले साल 507 लोग इसमें हिस्सा लेकर एक नया रिकॉर्ड कायम किए। इंशाल्लाह फिर से ब्लड डोनेशन कैंप भी मुनाकिद करेंगे। इस बार 1000 लोग का हम लोग हमारा टारगेट है। उसके अलावा स्पोर्ट्स मीटिंग भी होती है यहाँ पर, तमाम ईदों को भी बराबर का दर्जा दिया है। मतलब यहाँ पर क्या है, मुसलमान हिंदू सिख ईसाई तमाम हमारा नारा ही यूनिटी स्ट्रेंथ है। तो ये जो गंगा जमुना तहजीब है हिंदुस्तान में हैदराबाद में, उसको आगे ले जाते हुए आप तमाम से मैं फिर से एक बार आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जो भी जितने भी हम लोग आज तक प्रोग्राम करे उस प्रोग्राम में तहे दिल से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए महबूब खान के लिए आप तमाम लोग दुआ करिए। इंशाल्लाह फिर जल्द से जल्द उन्होंने वापस हैदराबाद में फिर एक बड़ा जलसा रखकर हम इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।